पिछले 60 सालों में हमने जिन लोगों को तैयार किया वे 60 साल से ये निर्णय नहीं कर पाए भगत सिंह राष्ट्रवादी थे कि आतंकवादी थे। इतिहास की किताब में उन्हें आतंकवादी कहा गया और जब आतंकवादी शब्द हटाया गया तो कहते हैं ये केसरियाकरण हो रहा है। ऐसा केसरियाकरण हो रहा है तो और होना चाहिए। ये बुद्धिजीवी इतिहासकार 60 साल से निर्णय नहीं कर पाए कि गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई कि वो लुटेरा थे, शहीद थे कि लुटेरा थे। उनके लिए एनसीईआरटी की किताब में लिखा रिपाइन, रिपाइन का मतलब था लुटेरा। उनसे पूछा गया आपने कहां से देखा लुटेरा थे, कहा नहीं 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 नहीं, एक पर्शियन सोर्स में लिखा हुआ है। पूरे हिंदुस्तान के बौद्धिकता के स्रोतों को छोड़ के पर्शियन किसी लिटरेचर में किसी ने उनको लुटेरा लिखा तो लुटेरा बन गए। जब इतिहास एनसीईआरटी किताब में लुटेरा से हटाकर उनको शहीद कहा गया तो कहे देखो सेफ्टनाइजेंस कर रही है बीजेपी की सरकार। बताइए, अरे गुरु तेग बहादुर जिनका नाम सुनते ही शरीर में रोमांच पैदा होता है, शहादत की वो प्रकाष्ठा है, त्याग की वो सीमा है जिसमें त्याग और गुरु तेग बहादुर पर्याय बन जाते हैं, उसे मार्क्सवादी बुद्धिजीवी रिपाइन कहते। इस देश में तीन परिभाषाएं कर दी गई। एंटी-आरएसएस बोलो तो प्रगतिशील बन जाओगे, एंटी हिंदू बोलो तो धर्मनिरपेक्ष बन जाओगे, एंटी इंडिया बोलो तो उदारवादी बन जाओगे। अब आपको तीनों बनना है तो तीनों परिभाषाओं पर चलिए। कहिए भारत के 10 टुकड़े होंगे, पूरे बुद्धिजीवी आपके साथ खड़े हो जाएंगे। कहिए भारत एक है, कहेंगे ये तकियानुसी की बात कर रहा है। ये है बौद्धिकता, ये दिन को रात और रात को दिन कर रहे हैं। आप शहीदों के पुत्र पत्रियों के लिए तो बहुत ममता है, होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ। बच्चे गलतियां करते हैं, घर में भी गलतियां करते हैं, हम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ी उनकी भी चिंता कर लो जो बॉर्डर पर क्यों शहीद हो रहे हैं। उस मरुभूमि में, उस बर्फीले भूमि में जहां ना एक अनाज का टुकड़ा है, ना कोई मनुष्य है, जहां ना हीटर है ना एसी है, वहां वो आर्मी का जवान कभी बर्फ से दबकर मरता है, कभी शत्रु की गोली से मरता है। इसलिए मित्रों, ये बौद्धिकता की जो दुहाई देते हैं, ये इनकी ये पूरी पीढ़ी को जाना होगा। ये पूरी पूरी पीढ़ी ऐसी करेगी, इनकी इस पूरी पीढ़ी के जाने का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये इंतजार करते हुए हमें वैकल्पिक विचारधारा को आगे बढ़ाना है। वो विचारधारा है भारतीयता की विचारधारा, वह है आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा है। और उसमें हमें तीन बातें सिर्फ करनी है, अपनी उदारता, विविधता में विश्वास, तीसरा आलोचनात्मक बातों को स्वीकार करने की, तीन अपनी क्षमता को बनाए रखना। इनकी उत्तेजना में जब हम इन तीन क्षमता को खोते हैं तो इन्हें अवसर मिलता है, हमें इन्हें अवसर नहीं देना। भारत में मैं अंतिम बात कहता हूं, भारत में तो राष्ट्रवाद नाम की चीज ही नहीं थी। हम तो भारतवर्ष वहां कहते थे जहां भारत की सीमाएं नहीं थी, जहां जहां हमारी संस्कृति का बोध था वो भारतवर्ष था। कितने राजा, कितने व्यवस्थाएं, रिपब्लिक भी था, मोनार्की भी था, अत्याचारी राजा भी था और ऐसा भी राजा था जो समस्त न्योछावर कर देता था। ये राष्ट्रवाद की तो पूरी देन पश्चिम की है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है। इसी राष्ट्रवाद की देन है जो भाषाई लड़ाई शुरू हुई, धार्मिक लड़ाई शुरू हुई, सीमाओं की लड़ाई शुरू हुई। इसे सभ्यताओं के आधार पर जब दुनिया वार्तालाप करेगी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं होगा, डायलॉग ऑफ सिविलाइजेशन होगा, तो दुनिया बदलेगी। और भारत इसी बदलाव के लिए बढ़ रहा है। अंत में कहूंगा, अब हवा ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में चांद होगी वही दिया जलेगा। धन्यवाद।